हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या डाइट और ख़राब लाइफस्टाइल के कारण होती है, और अगर आप इन दोनों को सही कर लें तो इस समस्या से आसानी से बच सकते हैं। इससे बचने के लिए क्या करें? ओट्स। अगर आपको लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो रोज़ाना सुबह के नाश्ते में ओट्स का सेवन करें। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो आंतों की सफाई करता है। नंबर दो, धनिया। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए धनिया के बीजों का पाउडर बना लें। इसे एक कप पानी में उबालकर दिन में 2-3 बार पिएं। नंबर तीन, प्याज। अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई हो तो इसे कंट्रोल करने के लिए लाल प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए एक चम्मच प्याज के रस में करीब आधा या एक छोटे चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन ज़रूर करें। नंबर चार, नारियल तेल। रोज़ाना खाने के साथ एक या दो चम्मच नारियल के तेल का इस्तेमाल ज़रूर करें। ऐसा करने से बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है। संतरा। शरीर के बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को प्राकृतिक तरीके से कम करने के लिए रोज़ाना 2 से 3 कप संतरे का जूस ज़रूर पिएं। बादाम और पिस्ता। बादाम और पिस्ता भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में फ़ायदेमंद है। इसके लिए रोज़ाना शाम को 3 से 4 बादाम और पिस्ता भिगो दें और सुबह उठते ही इसका सेवन कर लें। अंकुरित दालें। अंकुरित दालों से भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाया जा सकता है। राजमा, चने, मूंग, सोयाबीन और उड़द आदि का इस्तेमाल सलाद के रूप में करने से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।